हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है अंकित भाटी सर का जो हो उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया है उसके जो है हम बुक के जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए इन्होंने इसमें कुल 15 सेट रखा है, ठीक है, 15 सेट रखा है। तो आज का हम ये पहला सेट यहाँ पर कराएंगे, तो इसमें कुल 15 सेट हैं, आपको कुल 15 सेट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आज का हमारा ये पहला होगा, इसमें हम हिंदी और GS के पोर्सन कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, पहला पोर्शन हिंदी के लिए है। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न करेगी वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना है। आपको सही संधि वाला शब्द होगा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, वाण्योचित्य सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बड़ी ई प्लस ओ, ये मिलकर क्या हो जा रहा है, यो, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें जो है कौन सी संधि भी, इसमें यण स्वर संधि है, ठीक है। संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो ये हम आपको प्रश्न करा रखे हैं, तो आप बताइए इसका आसानी से आप कर लेंगे, कौन सा अलंकार भी। देखिए बेर बेर, जब हमने आपको बताया था जब एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उनका जो है अर्थ क्या हो भाई, अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो आपको बताया था उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है भाई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यमक अलंकार होता है, ठीक है, यमक अलंकार होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, इसमें जो है क्या होता है, इसमें वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, ठीक है। और श्लेष अलंकार आप जानते हैं, श्लेष मतलब चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द आए और उसके कई अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो अनुप्रास के जानते हैं, तरण तनुजा तरतमाल न, और श्लेष का कनक वाला आप जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक बेर का अर्थ क्या था भाई, एक बेर का एक बेर फल, ठीक होता है, और एक बेर का मतलब गिनती, ठीक है। इसी प्रकार आपका इस कारण से बेर बेर 2 बार आया है लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहने की योगदान में कौन सा समास है, ये बताइए भाई। समास आपको हमने बता रखा है, देखिए योगदान, योगदान का समास विग्रह करेंगे तो योग में दान, योग में दान, ठीक है, तो में आया, देखिए तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, योग मैदान मतलब अधिकरण तत्पुरुष का समास, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको कर्मधारय समास हमने बता रखा है, कर्मधारय क्या समास होता है, तो इसमें जो है पहला पद क्या होता है, इसमें विशेषण और अंतिम पद संज्ञा या विशेष होता है, तो अंतिम पद भी विशेषण हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको कर्मधारय होता है। बहुवी आपको हमने बताया कि इसमें जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है या किसी अन्य की ओर संकेत करता है, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में आप अव्यय से पकड़ लेंगे, ठीक है, यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं, बहुत अच्छा मुहावरा है, कहे कि पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है, आपको बताना है। देखिए बहुत अच्छा मुहावरा है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन कह रहे कि सबल का शोषण नहीं होता है, कह रहे कि मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती है, ऐसा नहीं, कह रहे दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता है, अरे मूर्खों में होता है टकराव, कह रहे कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंस है, और देखिए आपको ऑप्शन भी बहुत ही सटीक रखे गए हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसका अर्थ हो जाएगा पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, कह रहे कि त्रुटि छांटिए, आपको इसमें त्रुटि बताना, देखिए पूरा ही वाक्य है ABC ऐसे जोड़ा गया है, और कह रहे हैं कि अगर नहीं डी, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी चुनिए। देखिए ऑप्शन कह रहे हैं किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, देखिए एकदम सही है, तो इसमें कोई किसी प्रकार की आपकी इसमें त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, चलिए अगला करेगी निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा रस हो जाएगा। देखिए कह रहे निस दिन बरसत नयन, नयन हमारे, तो यहाँ पे भाव किसका तरह कर रहा है, यहाँ पे
श्रृंगार रस का भाव निकला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। और इसका श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है भाई, रति होता है। ठीक है, रति होता है, ये आपको हमने बता रखा है। ठीक, इसे रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, कहने की चौकी, चौकी का तस्यम शब्द आपको यहाँ बताना है। चलिए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो चौकी का तस्यम शब्द कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुष्पादिका हो जाएगा। ठीक है, चतुष्पादिका जो है सही तस्यम हो जाएगा चौकी का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो तस्यम शब्द क्या होते हैं भाई, वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तस्यम शब्द कहते हैं। चल आगे देखते हैं, अगला है, कहने की खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तो खिड़की जो है किस प्रकार शब्द है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, देशज शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे लोटा, पगड़ी, कटोरा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने की अध का विलोम है, आपको बताना है अध का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अध माने ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी। ठीक है, देखिए सॉरी, अध माने होता है नीचे, क्या होता है, नीचे। ठीक है, नीचे, ठीक है, नीचे, और ऊपरी माने आप जानते हैं ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका अध का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपरी। ठीक है, तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, और समाप्त का क्या हो जाएगा, आरंभ। ठीक है, विलोम। अगला देखते हैं, कहने की धूसर का पर्यायवाची होगा, आपको यहाँ धूसर का पर्यायवाची शब्द बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहने खनक, देखिए खनक तो चोर का होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सदन या बेसर या गज वदन होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा धूसर का पर्यायवाची बेसर। ठीक है, बेसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा माने आप जानते हैं किसे कहते हैं, गधा। ठीक है, जिसे खर भी कहते हैं। ठीक है, खर, खर, गधा, गर्दभ भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं आपको, चक्रीवान भी कहते हैं, चक्रीवान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है धूसर के पर्यायवाची। आइए देखते हैं अगला है, चलिए भाई, ये अभी हाल में इसको हम आपको कराए थे प्रश्न, बताइए, कहने की अंश और अंश शब्द का युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए, यहाँ से सा में अंतर है, बस पढ़ा वही जाएगा, तो अंश, अंश का सही अर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये अंश माने क्या होता है कभी, ये हिस्सा होता है। ठीक है, हिस्सा, और ये अंश माने क्या होता है, कंधा होता है। ठीक है, कंधा होता है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा और कंधा। ठीक है, बी नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चल आइए देखते हैं अगला है, कहने की मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, बताइए। देखिए, खा चुका था, तो बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण भूत। मतलब देखिए, मैं खाना खा चुका था, मतलब खाना पीना खा के बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए पूरी तरह से काम इन्होंने यहाँ पर समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे पूर्ण भूत काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए सब, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो भूतकाल के कुल कितने भेद है भाई, 6 भेद है। ठीक है, और वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3। कल निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, देखिए चिन्हों के प्रकार आपको मैंने बताया था, बताइए इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा नहीं है भाई, ये देखिए, देखिए निर्देशक चिन्ह ये है, लाघव चिन्ह ये है, ठीक है, और विवरण चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कहने की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, आपको सही वाला स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र की सही वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ बताना है। चलिए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वतंत्र, तो
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ व्युत्पत्ति लगा दिया है तो सावधान हो जाइएगा, ठीक है, सावधान हो जाइएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन हो जाएगी, ठीक है। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा तो आपको तीन ही बताना है, ठीक है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी है, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। कौन कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है, ठीक है। वहीं आपको पढ़े होंगे कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जो है जो जो समूहवाचक होती है और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, तीन। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण करण कारक बहुवचन रूप होगा। चलिए भी बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन कह रहे ऑप्शन कह रहे किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का, सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, किन्हीं से, ठीक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो है सही हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जैसे कुछ, कौन, किसी, कहाँ, वहाँ, जहाँ, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब लास्ट में टी बड़ी की मात्रा रहती है तो वो जो है क्या बन जाता है, उसमें जिसमें लगा रहता है उसमें छोटी की मात्रा बन जाती है और यहाँ पे चंका बिंदी जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खूंटियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे खूंटी का खूंटियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं अगला है, कह रहे कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब आपको स्त्रीलिंग वाला शब्द बताना है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, ठठेरा का स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अभी अगला देखते हैं, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो नहीं वाला आपको बताना है। देखिए जैनेन्द्र कुमार साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित है, भगवती चरण वर्मा भी हैं, अमृतलाल नागर भी हैं, लेकिन मन्नू भंडारी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं अगला है, अगला कहने की भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं, ये आपको यहाँ बताना है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भाव विलास और रस विलास के लेखक कौन है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, देव जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इनकी और कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रेम दीपिका, काव्य रसायन, भवानी विलास, कुशल विलास आदि जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं देव की। अगला है, करें कि निम्न में कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन, ये भारतेंदु युगीन कवि हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी हैं, पंडित अभिका दत्त व्यास भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, नहीं वाली आपको बताना है। देखिए कुछ जो है भारतेंदु युग के कवि हैं जिसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त है, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेम घन आदि जो हैं भारतेंदु युगीन कवि हैं। अगला कहने की निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए आप जानते हैं क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है, तो आपको यहाँ पहचानना है कि इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है। चलिए भी बताइए, आपको हमने बता रखा है। चलिए देखिए, कहने मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। देखिए ऐसा लग रहा है कि देखिए कर्म कहाँ, जिसमें अकर्मक उसे कहते जहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए देखिए बी नंबर, कहने मैं पाता हूँ, भाई पाता मतलब कुछ तो पाएगा जो सकर्मक रहेगा, तो ये तो नहीं होगा। उसने पीटा मतलब किसी को तो पीटा होगा, मतलब वहाँ पे कर्म होगा ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसने खाई, अरे भाई खाई तो कुछ तो खाई होगी, तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी आपका
अकर्मक हो जाए, वो सकर्मक हो जाएगा। देखिए अकर्मक एक ही, मैं सोता हूँ भाई अपने लिए स्वयं कह रहा है, कर्ता स्वयं कर रहा है, जहाँ कर्ता प्रधान हो उसी को अकर्मक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापक व्यापार का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चल आइए देखते हैं अगला है। कह रहे एक छंद में कितने चरण होते हैं ये बताइए। ऐसा प्रश्न है, कुछ ही प्रश्न आपको हमने बताया होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको दिख रहा है कि हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए भी बताइए, देखिए देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार चरण होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में आपके देखिए छह भी चरण होते हैं। ठीक है, छह भी चरण, लेकिन छह चरण इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप चार चरण वाला ऑप्शन सही लगाएंगे। देखिए जैसे आपका दोहा चौपाई सुनाटा ये समय आपके छह चरण होते हैं, चार चरण होते हैं, लेकिन जहाँ पर छप्पे होता है, छप्पे और कुंडलियाँ, कुंडलियाँ इसमें क्या होते हैं? छह छह चरण होते हैं ना। तो देखिए तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए छह कहीं कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम आपको चार ही चुन लेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। करें कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। चलिए भाई देखिए कृपण का आपको इसको तोड़कर लिखना है। देखिए देखिए का हलंत, जब का आप हलंत निकालिए कि मतलब री आपने इसमें से निकाल लिया, री आ गया। और पा देखिए, पा ऐसे लिखा था पूरा पा है, आपने जब ऐसे ही हलंत लगा दिया तो इसमें क्या छोटा आ निकाल लिया। ठीक है भाई, छोटा आ निकाल लिया, तो ये छोटा आ गया। अड़ा में देखिए हलंत लग गया, मतलब आपने छोटा आ निकाल लिया, तो राइट आंसर डी ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको आएगा शब्द उसी को तोड़ देना है। ठीक है, बस अब समझ रहे ना, ये पा लिखा है मान लीजिए पूरा, तो ये पूरा पा है, तो इसमें से आपको हलंत निकाल लिया, मतलब छोटा आ निकाल लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पा। ठीक है, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? देखिए कई बार ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट बुक है, तो आप अंकित सर की जो जितनी भी बुक होती है उनकी अच्छी बुक उन्होंने लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? रैदास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहने की निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है। कहने की प्रत्येक, देखिए प्रत्येक ये प्रत्येक बोधक विशेषण है, दूना जो है आपका कैसा है ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, तीन क्या है गणनावाचक विशेषण है, लेकिन देखिए चारों करें ना कि मतलब वे विचार हो जा रहे हैं, मतलब समूह समुदाय समूह के रूप में जा रहे हैं, तो आपको चारों वे पाँच हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी जो है चारों जो है समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण जानते हैं आप चार प्रकार के होते हैं, आपको बहुत बार बताएं भाई। चलिए आइए देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, इसमें आपको असत्य कथन की क्या करना है? पहचान करना है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। कहने कि व्यंजन वर्णों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन को सघोष कहते हैं, भाई जितनी बार भी आया है सघोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण मैंने आपको सब बतलाया, तो आप देखिए इसमें व्यंजन व्यंजन जो है वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं ना, वर्गों के तीसरे चौथे मतलब तीसरे चौथे आप समझते हैं का ख ग घ अंग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि तीसरे चौथे पांचवे, तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक, और पहले दूसरे व्यंजन अघोष कहलाते हैं, भैया का पहला खा दूसरा। ठीक, यही इसका कहने मतलब होगा। अब कहने समस्त स्वर सघोष ध्वनियां देते हैं, ये भी सही है। तो देखिए असत्य वाला बताना है, मतलब गलत वाला। देखिए ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ हो जाएगा, सभी विसर्ग सघोष है। ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ गलत। ठीक है, तो ये आपका आसान प्रश्न था, परिभाषा से पूछा था भाई, परिभाषा आपको याद है, बिल्कुल कर लेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? देखिए ये पुरस्कार है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी अकादमी सलाका सम्मान जो है इसकी राशि कितनी है? डी हो जाएगा 5 लाख रुपए। क्या भी 5 लाख रुपए। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1986-87 में हुआ था, 1986-87 में। ठीक है, तो पहला अगर पहला आपसे पूछा जाए
कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार किसे पहली बार दिया गया था, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, किसको? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। चलिए अभी देखते हैं अगला है। चलिए, कितना आसान प्रश्न है, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपको हमने बहुत अच्छे बताया है, किसी मूल शब्द के पहले लगता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कितनी बार इसको कराएंगे, कई बार कराएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परी, देखिए, वर्तन, परि, वार, वार जो है मूल शब्द हो गया, परि जो है क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो परि जो है परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है, ये आप परिभाषा बिल्कुल जानते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, तो आपको बताना है यौगिक शब्द की पहचान बताना है। चलिए, तो आपको हमने बता रखा है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? योगऋण शब्द, यौगिक शब्द और ऋण शब्द, ना? तो बताइए भी कौन सा इसमें यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द हमने बताया था कि सार्थक अर्थ है मेल से बना शब्द, अर्थात यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, उन्हीं के यौगिक खंड, उन्हीं के यौगिक शब्द कहते हैं। तो बताइए, तो देखिए आपको हमने पंकज बहुत बार कहा था, तो पंकज आपका कौन सा है, योगऋण शब्द है। ठीक है, पुस्तक साधारण शब्द, मुरलीधर या परम औषधि, तो यहाँ पे आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। परम औषधि जो है आपका कैसा शब्द है, ये योगी शब्द है। ठीक है, और ये पंकज शब्द कैसा है, ये योगऋण शब्द है। ठीक है, तो हमने बताया था रचना के या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। ठीक है, योगऋण शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, तो ऋण शब्द वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे घर को आप तोड़िए, घर को खंड कर सकते हैं, कोई अर्थ इनका नहीं निकलेगा। अरे भाई, घा करोगे प्लस रा करोगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रात, दिन, ये आपके कैसे शब्द होते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऋण शब्द कहलाते हैं। और यौगिक, योग ऋण शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए पंकज, पंकज जैसे पंक मतलब कीचड़, ज मतलब से जन्म लेने वाला अर्थात कमल का फूल। ठीक है, तो ये आपका योग ऋण शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगला शब्द है, बताइए हिंदी की आदिजननी है। अभी हाल में ही आपको मैं ये प्रश्न कराया था, बताइए हिंदी की आदिजननी कौन कहलाती है, कौन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे क्रम है इसका जानते हैं आप। पहले संस्कृत, फिर क्या है पाली, फिर आपकी कौन सी प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, फिर हिंदी बोली, हिंदी आई। ठीक है, हिंदी लास्ट में आई। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है कौन कौन सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। करें कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा, मतलब अपनी इच्छा से जिससे आप किसी को आशीर्वाद दें। तो वहाँ पे देखिए ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, तो यहाँ पे इच्छा वाचक वाक्य हो जाएगा। अगला कहने की बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्निमेष जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेष। अब देखिए छोटा सा ध्यान से, छोटा से, बहुत छोटा से, तो इसको पढ़ेंगे फिर इसका जवाब आपको देंगे। ठीक है, तो आप जो है पहले जरूर प्रश्न देख लिया करें, फिर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ देते हैं, इसमें आपको ये नहीं बताएं कैसे कई प्रश्न तक है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहला है, कहने कि अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। ठीक है, धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं, चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही
तब वही जगत के सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके, देखिए इसी वाक्यांश से प्रश्न है। पहला प्रश्न है कहने कि किससे रहित राज्य किस काम का है? तो आपने शुरू में पढ़ा था किसके भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रियजनों से। ठीक है, शुरू में ही आपका एकदम पहले लाइन में आंसर था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहने कि जगत, जगत का अर्थ बहुत ही आसान भी, जगत का अर्थ पूछा है तो ये किसका अर्थ होता है? संसार का होता है, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि निष्फल का आशय है, कहने कि अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। तो आपने निष्फल शब्द सुना होगा, कौन सा हो जाएगा? कहने कि निष्फल रहा मतलब हमारा काम कैसा रहा, निष्फल रहा मतलब व्यर्थ रहा, कोई काम के नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यर्थ। ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी के प्रश्न आखिरी है। कहने सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, क्या अर्थ है भी? तो देखिए ऑप्शन नंबर यही इसका हो जाएगा, जीवन को सुखमय बनाना। ठीक है, तो ये आपके किससे थे, ये गद्यांश से प्रश्न थे। तो इस प्रकार देखिए हिंदी का पोर्शन खत्म होता है। आइए आप देखते हैं जीएस के, समान ज्ञान के पोर्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, समान ज्ञान के पोर्शन प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न यहाँ से है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं पहला प्रश्न है। कहने कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किस प्रदेश सरकार ने शुरू किया है भाई? ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए ये पुस्तक है, पुस्तक कहने की बुक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई भी? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपा पाई द्वारा। ठीक है, रूपा पाई द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है कहने कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड से भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, कुल कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? 6 स्थलों को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्थल हैं भाई? तो पहला है रामबाग गेट और प्राचीर जो पंजाब में है, दूसरा है कणिकारा मंडपम कुन्ना मंगलम भगवती मंदिर केरल में है, पीपल हवेली पंजाब में है, चौथा है चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा में है, और पांचवा है डेविड मैसून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम है मुंबई में। ठीक है, और बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। ये जो है 6 जो है स्थलों को जो है यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में जो है सम्मानित किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा? ए नंबर 6। कहने की आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है भी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायना एडुलजी जो है ये जो है बनी है, पहली भारतीय महिला है, तो पहली है तो इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डायना एडुलजी बनी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वहीं अगर पुरुष में पूछे तो ये कौन है? वीरेंद्र सहवाग भी है। ठीक है, कल उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए? ये तो आपको हमने करा रखा है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये आप जानते भी होंगे, आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी को। ठीक है, देखिए जो है संयुक्त प्रांत को बदल कर जो है 1950 में जो है यूपी से उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया, तो इसे जो है 2018 से ये भी ध्यान रखिएगा, 2018 से जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ है? पहले नहीं मनाया जाता था, 2018 से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इधर आपका, चलिए देखिए इधर निम्नलिखित प्रश्न में कौन से युग में सुमेलित, देखिए नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला आपको बताना है।
कहने की महावीर स्वामी अभ्यारण ललितपुर में, ये आपका बिल्कुल सुमेलित था। देखिए वन्य जीव अभ्यारण दिया है, ये अवस्थित मतलब किस जिले में है, ठीक है। अगला है बी नंबर, कहने की लाख बहुसी अभ्यारण कन्नौज में है, ये भी आपका सही है। कहने किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण बलरामपुर में, ये आपका गलत कह रहे हैं, बलरामपुर में नहीं है, ठीक है, बलरामपुर में नहीं है। तो ये कहाँ है फिर, ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यही जो है नहीं सुमेलित है। और देखिए रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्रकूट में, ये भी सुमेलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और सब आपका सुमेलित है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो बताइए। कह रहे कि रोपण, मांडा, बनावली या हुलास। तो कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी का जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुलास जो है यह जो है उत्तर प्रदेश में, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, ये सहारनपुर जिले में है, ठीक है, सहारनपुर जिले में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रोपण कहाँ, ये पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में है। और बनावली आप जानते हैं कहाँ, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। मांडा ये कहाँ है, सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोज जाने वाला कौन, ये हड़प्पा सभ्यता था, और इसकी खोज किस दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 में किया गया था, ठीक है। चलिए तो ये आप और याद रखिएगा। और एक से पूछा जाता है आपको यहाँ पे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर भी ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और यह जो है मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ठीक है। और मांडी भी है और सनौली भी है, ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहने के निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो ये गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर राइट हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। ये जो है ए नंबर कह की नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, और बी नंबर तिगवा का विष्णु मंदिर, और भूमरा का शिव मंदिर, ये जो है एमपी में है तीनों, ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कहने की बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए, तो ये आपका, तो ये यही जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यही नहीं सुमेलित है। अमेठी मूंज के उत्पाद, ये सुमेलित है। आगरा चमड़ा उत्पाद के लिए, ठीक, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, तो ये आपका सही है। तो देखिए बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए इसे नहीं प्रदान किया गया है, एक जनपद एक उत्पाद, इसको जो है होम फर्निशिंग गुड्स के लिए प्रदान किया गया है, ना कि लकड़ी के खिलौने के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए लकड़ी के का खिलौना जो है मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला करिए, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे, तो ये आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, पंडित किशन महाराज, ठीक है। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो ये आपको यहाँ बताना है कि कौन सा त्यौहार जो है ये, करें कि विशु, फूलदेई, डोल यात्रा या नुआ खाई। तो नुआ खाई तो ये कहाँ का है भाई, आप जानते हैं नुआ खाई जो है कहाँ का है, ये उड़ीसा का है, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है, ये उड़ीसा का है। तो देखिए उत्तराखंड में आपसे पूछा है, तो ये बी नंबर राइट हो जाएगा, फूलदेई जो है ये जो है त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कहने की विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है, तो विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यह किस में दिया जाता है भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिकित्सा में, ठीक है, चिकित्सा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी, ठीक है, 1962 में किया गया था। और वस्तुकला में किसका किसके लिए पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये प्रीतिजकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और खेल में जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। कह रहे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून है भाई, जून
जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है 29 जून को, तो कहेंगे किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीसी महल महल नोविस के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। कह रहे कि सीरिया की राजधानी है, तो आपके टॉपिक में राजधानी मुद्रा रखा गया है, तो अच्छे से इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दशमिक जो है सीरिया की राजधानी है। ठीक है, करें गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जूनागढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, कुछ गुफाएं हैं जो महत्वपूर्ण आपसे पूछी जाती है महाराष्ट्र में, जो है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और कन्हेरी की गुफाएं और भाजा गुफाएं जो हैं, ये जो हैं आपके कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा देश सार्क का संगठन सदस्य नहीं है? तो ये आपको यहाँ बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सार्क में आप जानते हैं कुल कितने देश हैं, 8 देश शामिल हैं। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसको बोलते हैं, सार्क को। देखिए देखिए, इसमें पाकिस्तान शामिल है, भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है, लेकिन चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, इसकी स्थापना आपसे पूछता है, तो ये 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय आपसे बहुत पूछता है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। अगला है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो ये आपको बताना है, राइट आंसर बी हो जाएगा, कुटियाट्टम जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, कहने की BHIM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह जो है भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 30 दिसंबर 2016 को इसकी शुरू किया गया था। ठीक है, और यह जो है BHIM UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश कौन था, ये भूटान था। ठीक है, भूटान भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, करें कि भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, GST आपके स्पेशल जो है रखा गया है सिलेबस में, तो पिछले वर्ष भी हर एक सेट में आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, बताइए। तो ये किस दोहरे मॉडल से आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले सबसे कहाँ लागू हुई थी, फ्रांस में GST। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से शुरू चुना है, तो ये कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका यहाँ राइट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1 जुलाई 2017 को यह जो है भारत में GST लागू हुआ था। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 जरूर याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, और यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है धार मध्य प्रदेश से क्या होते हैं, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और यह जो है अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, तो गेहूं की अच्छी खेती है तो क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा होती है, मतलब कम तापमान चाहिए और कम ही क्या होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। तो इसके लिए जो है 10 डिग्री सेल्सियस से
25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टेम्परेचर चाहिए, और जो है इसकी वार्षिक वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करीब निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं नेपाल से भारत के जो है पांच राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने पांच राज्य, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। सिक्किम और बिहार जो है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और वहीं नेपाल से जो है ये उत्तर प्रदेश जो है नेपाल से सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपद जो हैं, सात जनपद जो हैं, सात जिला जो हैं नेपाल से सीमा साझा लगाते हैं। कौन से भाई, पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और श्रावस्ती। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे इनको सुमेलित करना, मतलब इधर आपको दर्रा दिया है, ठीक है, और इधर राज्य दिया है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं वाला बताना है। देखिए नहीं वाला सुमेलित करें कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरल में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही नहीं सुमेलित है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ है, ये सिक्किम में है, कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को गलत बताना था। लिपुलेक दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बताइए भाई, बुद्ध के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बोधगया में। ठीक है, और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ठीक है, और यही प्रथम उपदेश उनका हमने बताया था, क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहने की निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोलका पीएम जो है ये जो है संगम साहित्य से संबंधित है। अगला है, करें कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आपको यहां पे बताना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसकी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1336 में हुई थी, और जो हरिहर तथा बुक्का भाइयों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इनका ये कौन किए थे, इनको भी ध्यान रखना है, हरिहर तथा बुक्का भाइयों द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला है, करें कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931 में जो है गांधी और इरविन के साथ जो है एक समझौता हुआ था, उसी को हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बेलगांव अधिवेशन में 1924 में सिर्फ महात्मा गांधी एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में एक बार ही भाग लिए थे, बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, देखिए प्रथम वाला आपको पूछा जाता है, ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, तो आपको यहाँ पर ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी, और कब, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको बताना है, तो ये भाई कौन से थे, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्योमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा इतना अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूची थी जब हमारा संविधान बना था, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उस समय भारत जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 है, लेकिन वर्तमान में ध्यान देना 12 अनुसूची हो गई। ठीक है, अगला है, करके निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, तो नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए
संसदात्मक सरकार ये आपकी विशेषता है, संघात्मक सरकार ये भी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी विशेषता है। देखिए लेकिन ये है अध्याच्छात्मक सरकार, ये आपका राइट हो जाएगा, ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ठीक है, करें कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह किसका सदस्य रहेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य हो तब जो है वह जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन नहीं कर सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन स्पेस को किया गया था, तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। करें कि फारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है, तो ये आपको बताना है। ये शायद 2018 का प्रश्न है, शायद सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 212 फारेनहाइट। ठीक है, 212 फारेनहाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो वाष्प बिंदु आप जहाँ समझ रहे ना, जिस तापमान पर तरल जो है वाष्प में परिवर्तित हो उसी को बोलते हैं वाष्प बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी नंबर। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो कवक के कारण कौन सा इसमें रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाद। ठीक है, तो जैसे दाद हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये जो है कवक जनित बीमारियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तपेदिक जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है जी, हैजा भी। ठीक है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.6×10^24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। करें कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कई बार भी जब बार विटामिन आया आपको विटामिन के रासायनिक नाम बताया है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइलो क्यूनोन जो है इसका ऑप्शन नंबर विटामिन के का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का स्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेराल और विटामिन ई का टोकोफेराल। ठीक है, बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है और ए डी ई के जो है वह समय घुलनशील विटामिन है। चलिए देखिए, यानी कि बिबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो ये आपको बताना है, तो किसकी सबसे न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल की। ठीक है, लाल की, वही बैगनी की सबसे अधिक होती है। ठीक है, बैगनी की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, न्यूनतम किसकी होती है, लाल की। ठीक, और याद रखना यहाँ से पूछता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है, तो लाल रंग की, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और वहीं सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यहाँ इतना आपको ध्यान रखना। तो देखिए जीएस के प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक थे, तो इसमें जो है आप लगभग 23 से 25 प्रश्न आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जीएस थोड़ा सा कठिन भी आता है, तो यूपी पुलिस का, तो इसमें जो है आपको 25 से 27 28 हो पाते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न, तो ये ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ लगभग जो है 23 से 25 क्वेश्चन इसमें आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलेंगे, तो आशा करता हूँ आपको पसंद, अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके जो है कुल 15 सेट है, तो आपको 15 सेट भी करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।